वो मैं सोच रहा था क्या क्या मैंने आपको, एक मिनट, क्या मैंने आपको अपने बारे में बताया? आज बता रहा हूं। मेरे अजीज वतनों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो मेरे अजीज वतनों, ये हमारी फैक्ट्री है, प्लास्टिक के शॉपर बनते हैं यहाँ पे, और इस वक्त लाइट गई हुई है इसलिए सब मशीनें बंद हैं, कोई लेबर नहीं है पूरी जगह पे। आपका भाई अकेला खड़ा होकर ब्लॉग बना रहा है। जब ये मशीनें चल रही होती हैं तो यहाँ पे कान बड़ी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती, लेकिन इस वक्त अच्छा है, चलो लाइट नहीं है, मशीनें बंद हैं, तो ब्लॉग बनाने का मौका मिल गया। हाँ तो भैया, मेरा असल नाम है मिस्टर सबूर खान, नॉट मिस्टर, जस्ट सबूर खान। तो मिस्टर भंडारी कौन है? तो क्या मिस्टर भंडारी की स्टोरी सुननी है? सुन लो। कुछ टाइम पहले जब मैं एक न्यूज़ चैनल में काम करता था, अगर आपको नहीं पता तो ये वाली वीडियो देखें। एक वर्ड था भंड भंड भंड, जिसको देखो वो सिर्फ यही बोलता रहता था, भंड मार दिया भंड मार दिया भंड मार दिया। मुझे नहीं, हम सब एक दूसरे को यही बोलते थे, भंड 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 और भंड। और जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा जो वर्ड गूंज रहा होता था वो होता था भंड। तो भंड से मैंने निकाला भंडारी, तो नाम बता दिया मिस्टर भंडारी बता दिया। अब क्या एड्रेस भी बताऊं? तो बताओ ना, और नहीं तो क्या। अच्छा चलो, पहले मुझे अपने एड्रेस पे जाने दो, फिर बता। घर पे आने के बाद, खाना खाने के बाद, थोड़ी देर सोने के बाद, अब मैं थोड़ा सा फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। और अब करते हैं आगे की बात। मैं कराची में पैदा हुआ था और इसी घर में पैदा हुआ था, ये मेरी दादी का घर है। अभी तक के आपने जितने भी व्लॉग्स देखे वो सब मैंने दादी के घर में ही बनाए थे, पहले व्लॉग से लेके लास्ट व्लॉग तक सारे के सारे व्लॉग्स इसी घर में बने। इसी घर के अंदर मैं पैदा हुआ था, मेरे अम्मी अबू इस घर में रहते थे। सेवन्थ क्लास में था मैं, उस टाइम पे हम लोग कराची से शिफ्ट हो गए थे लाहौर। लाहौर में कुछ अरसा रहने के बाद हम निकले पहाड़ों की तरफ, मतलब इस्लामाबाद। कराची और लाहौर जैसे इंसानों के जंगल से निकल के इस्लामाबाद जैसे वीरान शहर में जाना आसान काम नहीं था। फिर इस्लामाबाद की वीरान गलियों में जब आपका भाई निकला तो आंखों में आंसू, दोस्तों की याद, अपना घर, सब कुछ मेरे साथ निकला। पर आहिस्ता आहिस्ता मैं भी इस्लामाबादी बन। फिर आया दौर मैट्रिक का। मैट्रिक में इंसान के अंदर एक जोश और बलबला होता है। मेरा जोश और बलबला सिर्फ एक था कि मुझे लंदन जाना। लंदन की मेरी यादें बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार यादें हैं मेरी लंदन से। और सबसे गहरी याद जो है वो है 216 लॉन्सडेल एवेन्यू, मेरा पता लंदन वाला। तो 216 से जो मेरी यादें जुड़ी हुई हैं वो मैं बयान कर ही नहीं सकता। वो मैं तभी बयान करूँगा जब मैं दोबारा कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो मैं जाऊँगा और वहाँ पे ब्लॉग बनाऊँगा जो मेरी वहाँ की यादें, अभी नहीं बताऊँगा। खैर, फिर वहाँ से आपका भाई वापस आया इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में टाइम गुजरता रहा गुजरता रहा गुजरता रहा। 10 या 12 साल के बाद अब मैं फिर से कराची में पधारा हूँ। इस्तकबाल करो। नाम बता दिया, पता बता दिया, सब कुछ बता दिया, थोड़ा सा अपने बारे में भी बता देता हूँ, अपनी बायो बता देता हूँ। बहरहाल ये काम दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे, क्यों एग्ज़ाम में ऐसे लिखने से भी ज़्यादा कई मुश्किल है। वो आसान होता है, ये मुश्किल होता है। अपने बारे में बंदा क्या बताया यार, मतलब समझ में नहीं आता। अपनी तारीफ अपने मुँह मियाँ मिट्टू, वाह
यार थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, पर इस सेटिंग में मज़ा नहीं आएगा, बाहर चलता हूँ। चल छोटे राज कबूल लगा। ऐसे मैं सच बताऊं तो मैं थोड़ा सा पागल हूँ, अलबेला टाइप, बिल्कुल मस्त मलंग। मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, अकेले, किसी भी हाल में। मतलब घूमना फिरना, ट्रैवलिंग करना मेरा पैशन है। वैसे मुझे क्रिकेट और फुटबॉल खेलना और देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। फुटबॉल देखना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खेलना भी आता है, खेलता भी मैं बहुत हूँ। लेकिन क्रिकेट, क्रिकेट में तो भाई आपका चैम्पियन है एकदम आफरीदी, और बॉलिंग में मोहम्मद आमिर। तो क्रिकेट से ज़्यादा मुझे फुटबॉल देखना पसंद है, क्योंकि एक तो 90 मिनट की होती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है, दूसरा बोरिंग नहीं होती। क्रिकेट के अंदर ये होता है कि जब बिल्कुल मैच टेंस चल रहा हो तभी मज़ा आता है, और जब पाकिस्तान जीत रहा हो तब ज़्यादा मज़ा आता है, जब हार रहा हो तो देखने का दिल ही नहीं चाहता, बिल्कुल बोरिंग लग रहा होता है। और हाँ, मुझे स्की करना भी आती है। यूट्यूब पे वीडियोस देखना मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट काम है, मतलब माइंड ब्लोइंग, सबसे ज़्यादा फेवरेट काम मेरा यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ देखना है, किसी भी टाइप की। ज़्यादातर मैं हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें देखता हूँ और कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ, यही मेरा फेवरेट काम है। तो मेरे अजीज हमवतनों, ये जितना मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना आता था आज मैंने अभी आप लोगों को दे दिया है। अब जल्द से जल्द भाई के 500 सब्सक्राइबर्स करो, और अगला व्लॉग उसके बाद ही आएगा। आज इलेक्शन था और अभी मैं वोट भी दे के आया हूँ। ये देखो, वोट देना हम सबका हक है, राइट है, और हमारी ड्यूटी भी है, तो वोट लाजमी देना चाहिए। और मैंने अपना वोट दे दिया, आप लोग भी अपना वोट दें लाइक के बटन के ऊपर क्लिक करके। भाई को खुशी होगी यार, खुशी होगी, बहुत खुशी होती है जब आप लोग लाइक करते हैं ना, दिल बाग बाग हो जाता है, एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है। तो यार जल्दी से 500 करवाओ, उसके बाद 1000 करवाओ, उसके बाद 10000 करवाओ, उसके बाद 1,00,000 करवाओ, फिर 1,000,000 भी करवा ही दोगे किसी दिन, पता है आप लोगों पर भरोसा है मुझे, भाई हो आप अपने। तो इसी तरीके से देखते रहें, गाड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, शीशे खोलने मुझे, मैं जा रहा हूँ जल्दी जल्दी घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में 500 होने के बाद, 500 से पहले अब मैं व्लॉग बनाऊंगा ही, 500 करवाओ यार। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इधर ये भाई मुझे चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज दिखा रहे हैं, एक महीने में ये 1000 सब्सक्राइबर्स करेंगे। अगर इन्होंने 1000 सब्सक्राइबर्स एक महीने में कर लिए तो भाई आपका वीडियो बनाना, मोबाइल से वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा मैं, अपना चैनल बंद कर दूंगा। ये वो शख्स है, इसको देख रहे हैं, मैंने कहा है सिर्फ ये बोल रहे हैं, मैं एक महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स करूंगा। हम तो पागल के बच्चे हैं।